भारत भूटान सीमा से सटे सर जयगांव में स्थित जयगांव एक्साइज विभाग के गोदाम से भारी मात्रा में शराब की चोरी होने की घटना प्रकाश में आई है। आज इस विषय को लेकर पत्रकारों के द्वारा जयगांव के एक्साइज इंस्पेक्टर संदीप दे से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस जगह से कई लाख मूल्य का शराब इस गोदाम से चोरी हो गया है। उन्होंने कहा कि इस गोदाम में अलीपुर द्वार कालचीनी आदि सेंटर से जब्त किया हुआ शराब को रखा जाता था। गत रात इस गोदाम से शराब चोरी करते हुए दो चोरों को रंगे हाथ पकड़ा गया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए जयगांव थाना को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि गोदाम की खिड़की को तोड़कर चोरों के द्वारा सिर्फ शराब की चोरी की गई है। हालांकि इसमें कितने रुपए की शराब की चोरी हुई है इसका अंदाजा करना अभी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर जांच आरंभ कर दिया गया है। इधर सूत्रों की माने तो इस जगह पिछले कई दिनों से गोदाम से शराब की चोरी हो रही थी, लेकिन एक्साइज कर्मचारी इस पर चुप थे। इधर आज जब पत्रकारों के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने के बाद खबर संग्रह करे जाने के बाद एक्साइज विभाग में हड़कंप मच गया था। इधर इंस्पेक्टर संदीप दे ने कहा कि घटना की शुरुआती जांच में यह सामने आया कि इस जगह से लाखों रुपए की शराब की चोरी हुई है, जो सरकारी खजाना में भारी नुकसान है। उन्होंने कहा कि इस जगह को सुरक्षित रखे जाने को लेकर कार्य आरंभ कर दिया गया है। इधर जयगांव थाना से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक्साइज गोदाम में शराब चोरी की घटना में लिप्त दो युवकों को पकड़ा गया है, जिन्हें अलीपुर द्वार अदालत भेज दिया गया है। গত পরশুদিন একটা ঘটনা ঘটেছিল, দুজনকে ওই মাল চুরি করতে এসেছিল আমাদের কোটালামত, তা সেটা ওই দুজনকে ধরা হয়েছে এবং ধরে সঙ্গে সঙ্গে ওই থানায় হ্যান্ড ওভার করা হয়েছে। এই ঘটনাটা গত পরশুদিন ঘটেছিল এবং আমাদের ওখানে ওই দুটো জানলা দেখা যাচ্ছে যে ভাঙা আছে বা ইয়ে আছে, ওগুলো আমরা বরাবরই রিপেয়ারিং করে যাচ্ছি। এবার কংক্রিট একটা কোনো একটা কিছু ব্যবস্থা এর মধ্যে আমরা করে ওটা যাতে আটকানো যায় সেটা নজরদারি করছি। না, আমি দুদিনই এই ঘটনাটা খেয়াল করছি, দুদিনই ঘটনাটা খেয়াল করছি এবং দুজনকে ধরাও হয়েছে। চোরি কোন জায়গা থেকে হয়েছে? আমাদের ওই মালখানা থেকে, যেখানে আমাদের কোর্ট আলামত গুলো আছে। কিছু হিসাব আছে কত চোরি হয়েছে? না, ওটা হচ্ছে কি টোটালি হচ্ছে কি অন্য অন্য সার্কেলের মালখানা, এটা আমাদের জয়গাঁর মালখানা না, এটা কালচিনির মালখানা। অফিসারকে বলা হয়েছে, অফিসার আসবে এসে অ্যাসেস করবে কি মাল চুরি হয়েছে। ওটা তো পুলিশ স্টেপ নেবে, লিগাল অ্যাকশন তো পুলিশ নেবে অ্যাজ পার ল। স্যার আপনার শুনলাম, সন্দীপ দে, ইন্সপেক্টর এক্সাইজ জয়গাঁও।